नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पिरिचुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो कि पंचकुला की मशहूर माता मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर क्यों बेहद खास है ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों इस मंदिर का इतिहास बड़ा प्रभावशाली रहा है। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है, जिसके चलते यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच जाते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी हुई हर मुराद माता पूरी करती है। कहा जाता है कि जिस जगह पर आज मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले माँ सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि मणिमजारा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई थी जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। वो रोज इसी गुफा से माँ सती के दर्शन करने आते थे। जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। माता मनसा देवी का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि अन्य सिद्ध शक्तिपीठों का है। माता मनसा देवी शक्तिपीठ पर बने मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर आज से लगभग 125 साल पहले अपनी रेखदेख में बनवाया था और इस मंदिर का निर्माण 1815 में करवाया गया था। मुख्य मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं जिन्हें माँ के रूप में माना जाता है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी तथा सरस्वती देवी की मानी जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णो देवी, भैरव की मूर्तियां और शिवलिंग भी स्थापित है। हरियाणा सरकार ने मनसा देवी परिसर को 9 सितंबर 1991 को माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन करके इसे अपने हाथों में ले लिया था। दोस्तों इस सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जरूर पंचकुला पहुंचे और अपनी मन्नत पूरी करवाएं। चमत्कारी ये मंदिर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए जब भी आपको मौका लगे परिवार के साथ इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके की नई अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता है नए वीडियो के साथ। नमस्कार।